हेलो गाइज वेलकम टू ग्राफिक टीज बाय पराग आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर द टीशर्स तो आपको भी पता कि कोरोना वायरस की वजह से मुझे मुंबई छोड़ के मेरे होम टाउन आना पड़ा था और ऑब्वियसली उसके साथ मैं अपने साथ मशीन्स नहीं लेके आ पाया था जैसे मैं जो हैवी ड्यूटी मशीन यूज करता हूँ या फिर मेरा जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग का मटेरियल है मैं कुछ नहीं ला पाया था अपने साथ तो अब नागपुर में मुझे पता है कि मुझे अपने होम टाउन में कम से कम बीस तीस दिन और या फिर दो महीना तीन तीन महीना और रहना पड़ेगा तो ऑब्वियसली कुछ तो करना है वीडियो बनाना है मेरी फ्रिक्वेंसी भी कम हो गई है तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया थोड़ा सर्च किया नेट पर कि नागपुर में स्क्रीन प्रिंटिंग का मटेरियल कहाँ मिलता है तो फाइनली फाइनली मुझे एक स्पॉट पता चला कि जहाँ सब मटेरियल मिलता है मैंने भी मटेरियल खरीदा ये सब जैसे स्क्वीजी आप देख पा रहे होंगे स्क्वीजी वाटर बेस इंक है प्लास्टिस इंक है कोटिंग है ना एक्सेट्रा इमोल्शन वगैरह सब कुछ और ऑब्वियसली मेरे पास फिलहाल मशीन नहीं है और उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ मैंने एक एक वेंडर के साथ बात की है उसके साथ मिलकर छोटी मशीन पोर्टेबल मशीन बना रहा हूँ और अगर वो सक्सेसफुल होता है मेरा प्रोजेक्ट तो वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये सब चीज़ें आप मेरे साथ देख रहे होंगे ये सब मेरे लिए नए स्क्वीजी से लेके एवरीथिंग दिस कोटिंग राइट ना एम यूजिंग इज टोटल डिफरेंट फॉर मी और उसके बाद ये इंक है यह अलग ब्रांड की इंक है तो ऑब्वियसली जो भी मुझे एक्सपीरियंस आता है इन नए इंक के साथ जब प्रिंट करूंगा उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या फर्क गिर ये हर चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को देखते रहिए हमेशा कुछ अगर नया सीखते रहना हो तो आपको तो आता मैं पॉइंट के ऊपर मुझे ये वीडियो क्यों बनाना था तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने यूट्यूब पे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर हम जब आप जो आपने इसके पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें आपने बोला था कि आपको सिक्सटी वाली मैच खरीदना चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ या फिर वन या वन एटी वाली आपको मैच खरीदना है जो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको तो वो बोलते कि सर हम दुकान में जाते तो वो बोलता कि हमारे पास ऐसे कुछ मैश है ही नहीं पच्चीस नंबर की मैश है सोलह नंबर की मैश है सर या बारह नंबर की मैश या फिर वन सिक्सटी नंबर की मैश है सम मेरे को किसी ने बोला कि सिक्सटी नंबर की मैश है तो मुझे मुझे पहले लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो बेचा जाता है सेल किया जाता है खास करके पॉलिस्टर मैश की जब बात आती है तो मैंने दुकानदार को भी बोला भाई ऐसे नहीं मेरे को सिक्सटी फोर टी वाली होना था वन सिक्सटी वाली मैश वाली सर बोले हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं हो सकता है पॉलिसटर में वो यूनिट यूज़ किया जाता हूँगा तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया तो मैंने बोला चले ऑप्शन क्या था खरीदना तो था मुझे तो मैंने क्या बोला ऑब्वियसली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो फिफ नंबर की मेच है वो मेरे वन सिक्सटी मेश वाले से या फिर सिक्सटी फोर वाले मैच से मैच होती है कि नहीं कैसे करना है तो मैंने सिंपल लॉजिक लगा मैंने मैच खरीद के आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नाइलॉन मेश पॉलिस्टर मेश नहीं है पहले आपको बता दूं मैंने इसके क्या किया एक स्केल लिया स्केल से एक स्क्वेयर इंच का मैंने एक स्क्वेयर काट लिया तो मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था कि आपको बारके से अगर हर चीज़ समझनी होगी तो आपको उसके डिटेल्स में वो जाना बहुत जरूरी है आपको सिर्फ नंबर याद रखना जरूरी नहीं है वो किस तरह से की जाती है फिर गिनी जाती है आपको पता होना बहुत जरूरी है जैसे एक यूएस बेस्ड सिस्टम होती है तो यूएस बेस्ड सिस्टम में वो क्या करते हैं कि एक स्क्वेयर इंच में कितने थ्रेड से वो काउंट करते हैं जैसे एक स्क्वेयर इंच का उनने कपड़ा काट लिया तो वो एक स्क्वेयर इंच में वन सिक्सटी थ्रेड्स होंगे तो वो वन सिक्सटी क्रॉस कर रहे होंगे एक दूजे को तो वो 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 वन सिक्सटी मेश काउंट वाली मेश हो गई यूके बेस्ड सिस्टम में जाऊंगे तो वो एक स्क्वेयर इंच की जगह वक्टीमीटर एक स्क्वायर सेंटीमीटर का पोर्शन कटआउट करते हैं उसमें कितने थ्रेड से वो काउंट करते हैं क्रॉसिंग में तो वो हो जाते है सिक्सटी फोर ऑब्वियसली आप यूएस बेस सिस्टम देखोगे तो बोलेंगे वन सिक्सटी नंबर आता है और यूके बेस सिस्टम देखते हो तो सिर्फ सिक्सटी फोर या फिर फिफ्टी फाइव ऐसा मेश काउंट आता है तो सिंपल सी बात है सेंटीमीटर और इंच का फर्क है तो मैं यूएस बेस सिस्टम फिलहाल यूज करना चाहता था कि ये पच्चीस नंबर के मेश को अगर मुझे मेश uh, काउंट में कन्वर्ट करना है यूएस बेस सिस्टम में तो कैसे तो मैंने सिंपल किया यूएस बेस में जैसे एक स्क्वायर इंच काटा जाता है तो मैंने भी एक स्क्वायर काटा वन स्क्वेयर uh, इंच का उसके बाद मैंने उसकी फोटो ली आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे फोटो लेने के बाद मैंने उसे थोड़ा जूम आउट किया और उसके बाद एक एक थ्रेड को मैंने काउंट किया तो ओवरऑल वो थ्रेड निकले 165 अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इसके बाद कि अगर मैं पच्चीस नंबर की मेच खरीदता हूँ तो वो मेश अगर मुझे प्रीवियस मैच जो मैं मुंबई में यूज़ करता था वो किस कैटेगरी uh, में या फिर किस यूनिट में मैच हो सकती है तो मुझे फाइनल पता चला कि जो पच्चीस नंबर की मैच है वो पर्टिकुलर वन सिक्सटी मेश कॉन्ट वाली जो मैं यूज कर रहा था मेश उस कैटेगरी में आती है तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आपको भी इन फ्यूचर होता है अभी आप, आप भी कुछ ऐसी सीनारी इंकाउंटर करते हो या फिर आता है आपकी सिचुएशन ऐसी तो आपको भी यही टेक्निक यूज़ करना दुकानदार के पास जाना अगर वो बोलता है पच्चीस नंबर की सिक्सटी फोर टी वाली मिलती है या फिर वन सिक्सटी या वन एटी मेश कॉन्ट वाली मिलती है तो टेंशन ही नहीं है बट कोई ऐसे नंबर बताता है आपको पच्चीस नंबर की मेश है बारह नंबर की मेश है सात नंबर की मैश है सिंपली आपको दुकानदार के तरफ से थोड़ा सैंपल खरीदना है फोटो खींचना है जूम आउट करना थोड़ा जूम करना उसको और उसके बाद आपको एक अपलीकेशन ओपन करके काउंट करना सिंपली और उसके बाद आपको पता चल जाएगा तो होप सो ये मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना काफ़ी जरूरी है काफी काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एक्जैक्टली कन्फ्यूजन काफ़ी था काफ़ी लोगों को और मुझे भी इंकाउंटर हुआ लास्ट टाइम सो ऑब्वियसली दिस दिस इज़ हाउ आई फाउंड सोल्यूशन तो आप भी ये कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल uh, लगा है आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग